गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयन, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था हमने, एन टाइप को हम बोलते हैं डोनर आयन और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। पी टाइप और एन टाइप को मिला के बनता है पीएन जंक्शन डायोड। कैसे बनता है देखते हैं। जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होता है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब इसका फॉर्मेशन का तरीका क्या है, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हाफ ऑफ द पार्ट को ऐसे डोप करते हैं कि वो पी टाइप बन जाए और हाफ ऑफ द पार्ट को ऐसे डोप करते हैं कि वो एन टाइप बन जाए, तो ऑटोमेटिकली एक तरफ पी हो जाएगा एक तरफ एन हो जाएगा। हाफ ऑफ द पार्ट को ट्राइवेलेंट एटम से डोप करेंगे तो पी टाइप बनेगा और रेस्ट हाफ को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करेंगे तो एन टाइप बनेगा। इस तरह से कंबाइंड हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड बन गया। अब डायोड का मतलब डायोड, टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है और एन टाइप दूसरे इलेक्ट्रोड को। अब जैसे ही हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, इस जंक्शन पे एक एक्टिविटी हुई। जंक्शन पे एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे या मेजोरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन हैं और पी टाइप के पास होल्स ज़्यादा हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होल हैं, तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप डोनर एटम है और पी टाइप एक्सेप्टर, तो एन टाइप को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और पी टाइप को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो जंक्शन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा पी टाइप की तरफ एट द जंक्शन, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन। मतलब जंक्शन पे एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल से डिफ्यूज कर जाएगा और ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ये पी टाइप जो है ये इफेक्टिवली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके कोर में इलेक्ट्रॉन चला आएगा, और एन टाइप जो है वो इफेक्टिवली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके कोर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से एन से पी टाइप की तरफ इस पूरे जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकेगी। एन से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो एन से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगी, और ये जो रेंज है, जंक्शन है, इस जंक्शन पे चार्ज कैरियर्स भी नहीं बचेंगे, चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे, और जिस रेंज में चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो जाएंगे उस रेंज को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहाँ पे अब चार्ज कैरियर्स बचे ही नहीं। तो जंक्शन पे ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एरिया बनता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फर्दर रोकती है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और एन साइड से पी साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आई इसके पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी टाइप पे जो जनरेट हुई वो एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट से डेवलप हुई है, और इस ग्रेडियंट के वजह से एक बैरियर पोटेंशियल भी डेवलप होता है, या इसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जो एक फिक्टिशियस बैटरी की तरह काम करता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी साइड। ये बैरियर पोटेंशियल, इसका नाम ही है बैरियर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर का काम कर रहा है। सिलिकॉन के लिए ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके एन से पी की तरफ गए हैं तो डिफ्यूजन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है तो ज़रूर एक करंट भी फ्लो होनी चाहिए। बट जब हम सर्किट
में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कोई करंट हमें नहीं मिलती। तो फिर एक एनालिसिस पे आते हैं हम कि पी और पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एन से पी की तरफ डेवलप हुई है वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को तो रोक रही है फ्लो होने से, लेकिन पी टाइप में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से नहीं रोक रही। तो जब भी पी एन जंक्शन डायोड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा पी से एन की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे, और करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू द करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ही हम ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं। मतलब सर्किट में हमें करंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हुआ करंट और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हुआ करंट इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से हमें इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर N से P साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी ऑलरेडी ड्यू टू डिफ्यूजन, और हम और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टेंस का काम करेगी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P साइड, और अपोजिट डायरेक्शन में P से N में एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट का काम करेगी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P साइड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायसिंग, बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, मतलब प्रोवाइडिंग अनदर वोल्टेज ओवर